बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट से तहलका खेज ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पीटीआई के लिए बड़ी खबर। पीटीआई के जो हलके हैं उनमें जश्न शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हलचल मच गई। कल सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला महफूज किया गया था और वो फैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ की जो मखसूस शिशु का केस था, लंबी चौड़ी समाअत हुई और इस केस की समाअत जो है वो फुल कोर्ट बेंच ने की थी। तो यहाँ पर जो 13 जज साहिबान हैं उन्होंने फैसला महफूज कर लिया था और चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा था, कल कहा था कि आज फैसला नहीं सुनाया जा सकता क्योंकि हमारे जितने भी जज साहिबान हैं जो भी इस बेंच का हिस्सा थे तो उन्होंने अभी इस फैसले के ऊपर मुशावरत करनी है, तो लिहाजा हम एक टाइम बताएंगे और उस टाइम के मुताबिक इस केस के ऊपर फैसला सुनाएंगे। जब कल केस खत्म हुआ, जब ये केस तकरीबन इस केस की समाप्त मुकम्मल हुई, तो जो आरी टाइम सलमान सफदर ने बकायदा तौर पर इसके जो दलायल दिए वो दलायल जो हैं उस दलायल के ऊपर जो पीटीआई के हलके हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जश्न का समा पाया जाता है और वो लोग जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, पीटीआई वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज की जो ताज़ा तरीन खबर है, जो बड़ा फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से है, वो शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले अब सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली न्यूज अपडेट्स हैं आप उनको जान सकें। देखिए, जब भी कोई फैसला आना होता है तो जितने भी जज साहबान हैं जब भी वो किसी भी केस की समाअत कर रहे होते हैं तो उन्होंने आपस में मुशावरत करनी होती है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने एक मुशावरती इजलास बुला लिया है और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हलचल मची हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनकी नजरें लगी हुई हैं, मुस्लिम लीग नून की नजरें लगी हुई हैं और इस टाइम जो मुशावरती इजलास चल रहा है कि आया के उस मुशावरती इजलास के बाद हमारे सामने कौन सी फाइनल डेट आएगी जिसमें हमें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है मखसूस शिशु के ऊपर इस डेट को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। यहां पर तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खबर यह है कि जो समाअत हुई है और जो अभी मुशावरती इजलास चल रहा है और जिन्हें भी तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से मौकफ सामने आ रहा है तो उसमें कभी इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस शिश्तें मिल जाएंगी। यहां पर अभी इजलास जारी है, सुप्रीम कोर्ट में हलचल मची हुई है और आज एक बड़ा फैसला आना है कि इस केस का फैसला कब सुनाया जाएगा। जो ही फैसले की डेट अनाउंस होगी मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, लेकिन पीटीआई वाले अभी जश्न मना रहे हैं। मेरी नजर में पीटीआई वालों को चाहिए कि थोड़ा सा सब्र कर लें और जब आपके हक में फैसला आ जाए आप जश्न मनाएं, क्योंकि पीटीआई वाले जो है वो बहुत जल्दी सेलिब्रेट करना शुरू हो पड़ते हैं और बाद में उनके हक में फैसला नहीं आता तो वो नाराज हो जाते हैं और अफसरदा हो जाते हैं। तो मेरे हाल में अर्ली सेलिब्रेशन जो है वो कोई ठीक नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कर लें। आज शाम तक बड़ा फैसला इस बात के ऊपर आएगा कि जो मखसूस शिश्तें हैं उनके इसका फैसला कब सुना रहा है, तो आज इसके ऊपर फैसला आ जाएगा और हो सकता है कि एक दो दिन तक इसके इसके ऊपर फैसला सुना दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।